दोस्तों, जब कभी भी हम किसी फिल्म में शाओलिन मास्टर को कुंग फू कराटे करते हुए देखते हैं तो हमारा मन भी इनके जैसी स्ट्रॉन्ग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पाने का करता है। क्योंकि दोस्तों, ये शाओलिन मास्टर न सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि मेंटली भी इनका फोकस बहुत हाई लेवल पर होता है। तभी तो ये लोग अपने सभी काम इतनी हाई स्पीड में आसानी से कर लेते हैं, और चाहे मेंटल फाइट हो या फिजिकल, ये किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, शायद आपको ये पता ना हो कि इस तरह की स्ट्रेंथ पाने के लिए इन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको शाओलिन मॉन्क की लाइफ से जुड़ी हर चीज बताएंगे जो आपको हैरान करके रख सकती है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी चीज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी दोहराने की कोशिश मत करना, क्योंकि वीडियो में दिखाए गए सभी मूवमेंट इन शाओलिन मास्टर्स द्वारा सालों से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और अगर बिना प्रैक्टिस के आप इन मूवमेंट्स को करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आज आपके फेवरेट चैनल में शाओलिन मॉन्क्स के बारे में कुछ ऐसी ही शानदार बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप दंग रह जाओगे। और दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए बिना देर के इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अगर हम शाओलिन मॉन्क्स के बारे में सबसे पहली चीज आपको बताना चाहेंगे तो वो है, ये लोग अपनी फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा अपनी मेंटल ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग शाओलिन मॉन्क सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल ट्रेनिंग पर देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पूरे मन से करें तो वो जरूर पूरी होती ही है। और इसी कहावत के अनुसार इन लोगों का भी यही मानना है कि किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसके लिए मेंटली फिट होना पड़ता है, वरना आप लाख फिजिकली फिट और एक्टिव क्यों ना हो जाएं, अगर आपका मन अपने काम को करने के लिए फोकस्ड नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग घंटों मेडिटेशन करते हैं और अपने माइंड को फोकस्ड रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इन लोगों का मेडिटेशन करने का एक ये भी कारण है क्योंकि इन्हें दिन भर खतरनाक मूव्स की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसकी वजह से केवल सोकर ये अपने दिन भर की थकान को नहीं दूर कर सकते। इसी वजह से मेडिटेशन करके ये लोग अपनी बॉडी को एक ऐसे स्टेट पर ले जाते हैं जहां पर इन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। और दोस्तों, इन मॉन्क्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई जाती है ताकि ये बड़े होते होते इन सारी चीजों में स्पेशलिस्ट बन जाए। इनकी ये ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि कोई भी इस ट्रेनिंग को देखकर ये समझ बैठेगा कि इन बच्चों के साथ टॉर्चर हुआ जा रहा है, क्योंकि आप इन बच्चों के चेहरे पर ये उदासी का भाव साफ देख सकते हैं। लेकिन शाओलिन मॉन्क्स बनने के लिए इन्हें इन्हीं सब चीजों से गुजरना पड़ता है, वरना अगर बचपन से ही आपकी बॉडी लूज हो गई तो बड़े होकर उसे एक मॉन्क की तरह स्ट्रॉन्ग होने में काफी समय लग सकता है। दोस्तों, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी गर्दन हमारी बॉडी का बहुत नाजुक हिस्सा होता है, और अगर कोई हल्की सी फोर्स के साथ आपके गले में अपनी उंगलियां भी मार दे तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी बात को समझते हुए शाओलिन मॉन्क्स सबसे ज्यादा काम अपने गले की नस पर करते हैं। ये लोग अपने गर्दन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि वक्त आने पर बड़े से बड़ा वार भी सह सके। और कुछ मॉन्क तो इतने ज्यादा एडवांस लेवल पर अपनी गर्दन को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि अगर इनकी गर्दन पर लकड़ी मारी जाए तो इनकी गर्दन को कुछ नहीं होगा, लेकिन बेचारी लकड़ी जरूर टूट जाएगी। और हाँ दोस्तों, हमें नहीं लगता कि ये बात हमें आपको दोबारा बताने की जरूरत है कि इन चीजों को कभी भी ट्राई मत करिए, क्योंकि ये मॉन्क्स सालों से इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब जाकर आज ये इतने स्ट्रांग है। दोस्तों, हालांकि गले में रस्सी लटकना अच्छा संदेश नहीं माना जाता, लेकिन इन मॉन्क्स को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ही मॉन्क्स अपनी गर्दन पर रस्सी लटकाकर उसके बल हवा में लटक कर मेडिटेशन करते हैं। इस मेडिटेशन में लोग तकरीबन 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं।
दोस्तों 20 मिनट तक सांस रोक कर रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये मॉन्क बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ये सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इस तरह से गर्दन के बल लटकना भी कोई कम मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए सब कुछ आसान है। दोस्तों ये शाओलिन मॉन्क्स सालों तक केवल अपनी गर्दन और मेंटल स्ट्रेंथ पर ही काम नहीं करते, बाकी ये लोग अपनी फिंगर्स पर भी काफी काम करते हैं और फिंगर्स को मजबूत करने के लिए ये तरह तरह की कठिन प्रैक्टिसेस भी करते हैं। दोस्तों इनकी स्पेशल टेक्निक को डायमंड फिंगर या फिर आयरन फिंगर या बुद्धा फिंगर भी कहा जाता है, जिसमें ये लोग अपनी उंगलियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तरह तरह के मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों इस तकनीक में ये लोग सबसे पहले अपने हाथों को दो बड़े बड़े लोहे के रूलर्स के बीच से अंदर बाहर करते हैं। भले ही आपको ये देखने में बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन दो भारी भारी लोहे के सिलेंडर शेप के रूलर्स जब आपकी उंगलियों को दबाते हैं ना, तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों ये लोग अपनी उंगलियों के बल पर पुशअप करने लगते हैं। दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों से अपने पूरे हाथों के बल पर पुशअप करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शाओलिन मॉन्क्स अपनी उंगलियों के बल पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करके पुशअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लोग एक एडवांस लेवल की चीज करते हैं, जिसमें ये लोग अपनी उंगलियों से मोटे मोटे पेड़ों पर इस फोर्स से मारते हैं कि उन पेड़ों पर छेद हो जाते हैं। और ये छेद छोटे मोटे नहीं होते, ये छेद पेड़ों से कम 5 सेंटीमीटर तक अंदर घुसे हुए होते हैं। और दोस्तों इस तरह के पेड़ शाओलिन टेम्पल में आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस जगह को देखकर समझ गए होंगे कि शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स बड़े से बड़ा पत्थर भी अपनी उंगली से तोड़ सकते हैं, इसलिए कभी भी इन शाओलिन मास्टर से भिड़ने की मत सोचिएगा, क्योंकि जो लोग पत्थरों को अपनी उंगलियों से तोड़ सकते हैं वो इंसानी हड्डियों को तोड़ने में कितना समय लगाएंगे। दोस्तों जब से लिफ्ट का जमाना आ गया ना, तब से सीढ़ियों से चलना तो मानो इंसान भूल ही गया है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि जहां पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं वहां पर इतनी मेहनत करने की चढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों शाओलिन मास्टर्स के लिए सीढ़ियां कोई मेहनत नहीं है, बल्कि उनकी प्रैक्टिस का ही हिस्सा है, जहां पर इन्हें सीढ़ियों पर उछल उछल कर जाना होता है। जी हां दोस्तों, उनको हर सीढ़ी पर पूरी तरह स्कॉट्स करते हुए उछलना होता है। और केवल ऊपर चढ़ने तक का ही सफर इन्हें इस तरह नहीं तय करना होता, बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरने का इनका तरीका और भी ज्यादा निराला होता है, क्योंकि ये लोग सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे उतरते हैं और किसी भी स्टेप पर इन्हें अपने घुटनों को सीढ़ियों पर टच नहीं कराना होता। और दोस्तों ये प्रोसेस इन्हें इतनी तेजी से करनी होती है कि कभी भी अकेले में इस तरह सीढ़ियों से उतरने की कोशिश मत करना। दोस्तों शाओलिन मॉन्क्स के द्वारा की गई सारी चीजें काफी आकर्षक होती हैं, क्योंकि उनका माइंड और बॉडी इस लेवल पर ट्रेन हो चुका होता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा देते हैं जो हम आम लोगों को असंभव लगती है। और इसी तरह की कई चीजें इनके द्वारा की गई है जिन्हें देखकर हम आम लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं, जैसे कि शाओलिन टेम्पल में दिखाई जाने वाली आयरन शर्ट टेक्निक भी काफी शानदार है, जिसकी काफी सारी वीडियोज इंटरनेट पर मौजूद है। इस तकनीक में मॉन्क्स नुकीली तलवारों और भालों पर लेट जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों कुछ मॉन्क्स अपने गले से तलवार तक को मोड़ देते हैं और कुछ लोग तो जलते हुए तेल पर बैठ जाते हैं। ऐसी अलग अलग चीज इन मॉन्क्स के द्वारा की गई है जो इंटरनेट पर खूब वायरल होती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सारी चीजें झूठी है। अब दोस्तों देखने वालों को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शाओलिन मॉन्क्स बिल्कुल हार्ड बेड पर सोते हैं, जहां पर उनकी बॉडी पर हथौड़े और तलवार से वार किया जाता है, ताकि उनकी बॉडी को हर एक परिस्थिति के लिए रेडी किया जा सके। अब दोस्तों ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग अपने माइंड को इस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं, वो रस्सी को गले में लटकाकर खुद लटक जाएं, वो लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर ये बात भी संभव है कि जो हथियार ये लोग यूज करते हैं उसमें धार ही ना हो, ताकि इन्हें ज्यादा चोट ना लगे जितनी लगनी चाहिए।
बाकी सच्चाई का हमें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन आप हमें ये जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये लोग जो भी टेक्निक अपनाते हैं वो झूठी होती है। अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिए। दोस्तों, अब जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में शाओलिन मॉन्क्स को अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करना होता है। सबसे पहले ये लोग किसी ऊंची चीज पर अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैलेंस करते हैं, फिर अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखकर ये लोग हाथों से भरी हुई बाल्टियां पकड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिना कुछ पकड़ाए अपने हाथों को 2 मिनट तक सीधे रखने के लिए कह दिया जाए ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये लोग तो न केवल भारी भारी बाल्टियों को, बल्कि अपने हाथों के ऊपर 2 कप और उसके साथ ही अपने सर के ऊपर भी 1 कप रख कर बैलेंस करते हैं। और इन लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि ये कप टूट कर गिरने ना पाए, और ये लोग अपनी प्रैक्टिस पूरी होने तक इन कप्स को बैलेंस किए जाते हैं। दोस्तों, भले ही ये चीज आपको देखने में थोड़ी आसान लग रही होगी, लेकिन 2 घंटे तक इन चीजों को करना कतई आसान नहीं है। 2 घंटे के आप 2 मिनट तक इसे नहीं कर सकते। अगर आपने 2 मिनट तक इसे कर लिया तो हमें कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि 2 मिनट भी इस तरह से अपनी बॉडी को करना कोई आसान बात नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सालों तक इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि बाकी स्कूलों और कॉलेजों की तरह शाओलिन में भी आपको सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरी इम्तिहान देना होता है, जहां पर आपको कुछ एक टेक्निक में बिल्कुल माहिर होना पड़ता है। वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पकड़ इतनी तेज हो कि उस टेक्निक को आपसे अच्छा कोई ना कर सके। और अगर आपने किसी टेक्निक पर महारत हासिल कर ली, तब भी आपका यहां से पास होना पक्का नहीं है, क्योंकि शाओलिन में आपको न सिर्फ अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना होता है, बल्कि आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जिस चीज को जांचने के लिए यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू जरूर करते हैं, जहाँ पर वो बुद्धिस्ट रिलीजन से लेकर सालों तक की गई ट्रेनिंग के बारे में आपसे फेस टू फेस बात करके सवाल पूछते हैं। और अगर आपने इन सवालों का जवाब दे दिया तो आप पास हो जाते हैं और एक असली शाओलिन मास्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।